बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। उत्तर प्रदेश में भले ही पुलिस की ठोको नीति चल रही हो, लेकिन बदमाशों ने भी पुलिस तंत्र को खुली चुनौती दे रखी है। प्रदेश में एकाएक ही अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपहरण उद्योग भी एक लंबे अरसे तक शांत होने के बाद अब अचानक तेजी से उभर कर सामने आया है। कानपुर में संजीव यादव के अपहरण के बाद हत्या और फिर गोंडा में बच्चे के अपहरण ने पुलिस तंत्र की खासी फजीयत की है। वहीं पुलिस इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। गाजियाबाद से अपहृत बिल्डर विक्रम त्यागी का लगभग एक माह बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। विक्रम त्यागी अपहरण कांड ने पुलिस की नाकामी व तंत्र की सारी खामियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कांड का गंभीर पहलू यह है कि बदमाश पुलिस की आंखों के सामने से सुरमे की तरह विक्रम त्यागी को निकाल कर ले गए। खतौली पुलिस ने अपनी खटारा गाड़ी से इनोवा का 15 किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन आखिर कहां तक? इतना सब कुछ हुआ लेकिन पुलिस ने आसपास के जिलों में नाकेबंदी नहीं कराई और बदमाश भाग निकले। अगले दिन वह कार 40 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में बरामद हो गई। कार में खून बिखरा हुआ था। इसका डीएनए मिलान हुआ तो पाया गया कि यह खून विक्रम त्यागी का ही है। अपहरण की यह वारदात 26 जून को हुई थी, जबकि अब जुलाई माह का अंत आ चुका है, लेकिन पुलिस इस घटना का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। वह भी तब जबकि इस कांड की गूंज मेरठ मंडल के साथ ही लखनऊ के पंचम तल तक सुनाई पड़ी थी। गाजियाबाद एसएसपी सिहानी गेट प्रभारी को निलंबित कर अपने कार्यवाही की इतिश्री कर चुके हैं। वर्तमान में हाल यह है कि परिजन परेशान हैं और धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। अब पुलिस की नाकामी के बाद यह मामला एसटीएफ के पास चला गया है। अपर मुख्य सचिव ने भी इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।